हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का गौरव झा फिटनेस में। तो भाई लोग, आज आपको भाई बताएगा कि स्लो पुशअप्स और फास्ट पुशअप्स, मतलब पुशअप्स किस तरीके से सही तरीका होता है पुशअप लगाने का। जो मेरे भाई घर पे एक्सरसाइज करते हैं उनको बहुत ही क्वेरी रहता है, बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है कि भाई किस हम जो लगा रहे हैं तेजी तेजी से लगा रहा हूँ 50 पुशअप्स वो सही है या स्लो लगाते हैं 20 पुशअप्स वो सही है। सारा क्वेरी आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। मैं खुद पे जो चीज़ देखा हूँ, खुद पे जो चीज़ मतलब ऐसा हुआ है मेरे साथ, मैं ऐसा सोच सकता था, ऐसा कर सकता था, ऐसा क्यों नहीं किया, वही आप लोगों का बात समझ के मैं उसी चीज़ को आपके सामने ला रहा हूँ कि क्या तेजी तेजी पुशअप्स करने से फ़ायदा होता है या स्लो पुशअप्स करने से फ़ायदा होता है। फॉर्म प्रॉपर रख के पुशअप्स करने से फायदा होता है या रिप्रेशन जल्दी 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 करके जो भी आप देखते हो 100, 150, 200, 400 जो कम टाइम में निकालता है वो सही होता है। आज भाई बताएगा, क्लियर करके करके दिखाऊंगा, ध्यान से देखना सारा, एक एक पार्ट आपको समझाऊंगा कैसे अपने पुशअप्स को सही करेंगे, कैसे बॉडी को बिल्ड होने को, किस तरीके से पुशअप्स का यूज करेंगे अपने बॉडी को बिल्ड करने में। ध्यान से देखो, फॉलो करो, 100% आपको रिजल्ट देने वाला और बेनिफिट जो भी आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको 100% रिजल्ट देने वाला चीज है। तो ध्यान से देखो, फॉलो करो। जो मरीज आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो कहाँ पे, तो इंस्टाग्राम पे गौरव झा फिटनेस काम से इंस्टाग्राम है। देखो किस तरीके से पुशअप्स को भी आप किस तरीके से ध्यान से समझ सकते हो। तो पुशअप भाई हमारा दो तरीके का होता है, ठीक है, जो कि आप लोगों को अभी स्टार्टिंग में बताया हूं कि दो तरीके का पुशअप में से कौन सा हमको रिजल्ट देगा, कौन सा हमारा बॉडी बिल्ड होने में मदद करेगा। तो भाई देखो, पहला तो हम लोग करते हैं क्या, इस तरह से धक 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 करके 20 रिपीटेशन, जैसे कि हम लगाते हैं इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भाई 100 रिपीटेशन पुशअप लगा लिए अब तो बॉडी बन जाएगा आप लोग का। ये क्वेश्चन, ये आप लोग सोचते हो कि 100 लगा लिए तो भाई मस्त है, वही अगर आप 50 रिपीटेशन लगाओगे या 40 रिपीटेशन लगाओगे किस तरीके से फॉर्म को सुपर स्लो करके। अगर आप देखो स्पीड में करने का भी तरीका होता है पुशअप्स, अगर आप स्पीड में करते हो बहुत ही माइनर चीज है, लेकिन आपको ध्यान में जरूर रखना होगा भाई, अगर आप रिपीटेशन को पुशअप्स के रिपीटेशन को बहुत ही हाई करके रखते हो, मतलब बहुत ही कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिपीटेशन लगाते हो, आपको कोई कॉम्पिटिशन अगर नहीं जीतना है और आपको सिर्फ थोड़ा सा वार्म अप जिम करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप नहीं करना है, तो आप ये एक्सरसाइज को घर पे अगर प्रॉपर कर रहे हो तो आपके पास टाइम है, तो प्रॉपर तरीके से आप फॉर्म को एग्जीक्यूट करो, सही तरीके से आप पुशअप्स को फॉलो करो भाई। पुशअप बोलते भाई पुशअप से रिजल्ट नहीं मिलता है, रिजल्ट नहीं मिलता है, और अगर आप पुशअप लगाओगे इस तरीके दर्द तक 20 खत्म, 10 इस तरीके से लगाओगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं खुद करता हूँ 20-20 100 रिप्रेशन 200 रिप्रेशन करके, मैं खुद वीडियो पहले डाला हुआ हूँ, बट वो रिजल्ट है कि आपको अगर रेगुलर परफॉर्म करो, 3 से 4 से परफॉर्म करो, उतना स्ट्रेंथ नहीं है भाई सब में और आपको उतना जल्दी करना भी नहीं है। स्लो परफॉर्म करना है और बेहतर रिजल्ट के लिए आसान तरीके से फॉलो करना है, ध्यान से बस फॉर्म को पकड़ो और एक्सरसाइज करो, कोई बात नहीं आपको 5 मिनट के जगह पे अगर आपको 20 मिनट लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है, टाइम दो, प्रॉपर तरीके से फॉलो करो। एक्सरसाइज का ध्यान रखना है, पुशअप जो भी करते हो तो इसमें आपको दो चीज होता है, अगर शोल्डर आगे रखते हो तो आपका शोल्डर भी इंगेज होता है, शोल्डर पीछे रखते हो तो आपका चेस्ट इंगेज होता है। ये सब चीज को थोड़ा थोड़ा माइनर चीज ध्यान रखना। और जो भी पुशअप लगाते हो आप, ठीक है, जो भी पुशअप लगाते हो उसको पाँव में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो भी आप सिंपल पुशअप लगाते हैं सर को सामने रखना है जिससे कोर स्ट्रेट रहेगा आपका, ठीक है, पूरा कोर स्ट्रेट रहना बहुत जरूरी है। अगर आपका इस तरीके से लूज हो गया पुशअप लगाओगे तो क्या पता नहीं आपका सिर्फ शोल्डर ट्रेन हो, और अगर आप पूरा बॉडी को सीधा रख के सर सामने रख के कोर स्ट्रेट रख के पूरा नीचे जाते हैं तो आपका प्रॉपर पूरा अपर बॉडी इंगेज हो गया। अब 1 इस तरीके से आपको लगाते हो, 2 अब इसे इस पुशअप्स में क्या हो रहा है, पुशअप्स तो हमारा हो रहा है लेकिन आप देखो एक्सरसाइज करते हो तो जल्दी जल्दी में आप मतलब कि आप लगाते हो, अगर मान के चलो 20 रिपीटेशन आप लगा इस तरीके से 20 रिपीटेशन लगा दिए, ठीक है, बट ज्यादा टाइम आप इंगेज करके रखते हो अपने मसल को तभी रिजल्ट मिलता है। देखते हो अगर आप 10 रिपीटेशन बाइसेप्स का लगाए और 11th में यहाँ पे रोक के रखोगे तो ज्यादा अगर इंगेजमेंट डालोगे तो आपका रिजल्ट वहां पे बवाल मिलेगा। तो वही चीज यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि अगर पुशअप्स लगा रहे हो तो पुशअप्स में स्लो जाओगे तो जितना नीचे जाते टाइम, जितना नीचे जाते टाइम आपको टाइम मिलेगा, जितना ऊपर जाते टाइम आपको टाइम मिलेगा, उतना ज्यादा आपका चेस्ट पे फोकस बनेगा भाई। चेस्ट पे कर रहे हो, शोल्डर पे कर रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो उतना ज्यादा आपको फोकस बनेगा। तो फॉर्म को स्लो रख के, प्रॉपर रख के, करेक्ट रख के आपको फॉर्म करना है। जैसे शोल्डर के लिए लगा रहे हो, ठीक है, हाथ को दोनों साइड कर लिए, कमर को ऊपर कर लिए, पाई पुशअप लगा रहे हो, इसमें भी आप पूरा नीचे जाओगे फिर ऑल द वे अप, तो ज्यादा से ज्यादा आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है, ज्यादा से ज्यादा फोकस कहां पे बन के आ रहा है, आपका शोल्डर पे, तभी आपका शोल्डर का बेहतर पंप, बेहतर रिजल्ट मिलेगा भाई। बहुत ही ध्यान से सुनो सारा बात भाई, कोई फालतू का बात नहीं है, जिम जाते हो चाहे मर्जी हैवी हैवी लिफ्ट करते हो तो भी आपको ये काम देगा भाई, अगर आप प्रॉपर स्लो फॉर्म के साथ फॉर्म करोगे टाइम है आपके पास तो आपको बेहतर रिजल्ट पुशअप में मिलेगा। और जो मेरे भाई घर पे मेरा वीडियो देख के फॉर्म करते हैं उनको कोई जरूरत नहीं है जल्दबाजी में तुरंत तुरंत दौड़ा के भाई सॉल्व भाई, वर्कआउट आधे घंटे का भी नहीं होता आपका, 10-15 मिनट का वर्कआउट होता है, उससे क्या फायदा। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि अगर मेरा वीडियो आपका वर्कआउट का होता है 10 से 15 मिनट का तो उसको भी आपको कम से कम 3 से 4 बार, हर बार बोलता हूँ कि पूरा सेट को 3 से 4 बार फॉर्म करना है, मतलब 30-40 मिनट्स के अंदर आपका वर्कआउट होना चाहिए। कुछ काम करोगे तभी तो रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन रखोगे, अगर कुछ काम ही नहीं करोगे तो एक्सपेक्टेशन किस चीज़ का होगी। तो प्रॉपर फॉर्म में आप पुशअप्स का एक चीज़ बहुत मैं देख रहा था कि
भाई मैं भी लगाता हूँ 100 पुशअप्स, महीने भर में कुछ नहीं होता है, आप बताते हो महीने भर में ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, इस तरीके से करके देखो, स्लो फॉर्म करके देखो, इंगेजमेंट ज़्यादा बना के देखो, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। इस तरीके से ध्यान कुछ रखना है कि आप जो आपका ग्रिप रहेगा वो बहुत तरीके का होता है, यहाँ पे सिंपल होता है, बेसिक जो आपका ग्रिप होता है शोल्डर के बिल्कुल सामने सामने, थोड़ा सा बाहर कर देंगे ये हमारा चेस्ट के लिए हो जाएगा, थोड़ा सा अंदर कर देंगे इनर चेस्ट और ट्राइसेप्स के लिए हो जाएगा, ठीक है, शोल्डर को थोड़ा आगे कर देंगे तो हमारा शोल्डर भी इंगेज हो जाएगा, हाथ को इस तरह से कर देंगे हमारा आर्म्स इंगेज हो जाएगा, हाथ को पूरा पीछे कर देंगे हमारा बाइसेप्स इंगेज हो जाएगा, इस तरीके से नकल पुशअप्स करेंगे हमारा पूरा का पूरा आर्म्स इंगेज हो जाएगा, बहुत तरीके का वेरिएशन है और सारे चीज़ पर ध्यान देना है, फॉर्म को परफॉर्म करना है स्लो तरीके से परफॉर्म करना है, ध्यान से परफॉर्म करना है, जिस चीज़ पे काम कर अपर बॉडी पे काम कर सुपर इस तरीके से जाओ, इस तरीके से हाथ रखो, पुशअप लगाना है भाई का, 3 बार ध्यान रखो, ठीक है, सिंपल ग्रिप जो भी आपका है शॉर्ट है वाइड है या फिर आपका आप पूरा ही मतलब इस तरीके से है ट्राइसेप्स के लिए, जो मर्जी आपका ग्रिप है, ठीक है, ग्रिप आपका इस तरीके से रहेगा तो सर बिल्कुल सामने रखोगे, और सर सामने रखने से कुछ भी नहीं होता है, एक चीज होता है कि आपका कोर जो है भाई कोर आपका स्ट्रेट हो जाएगा, सर सामने रखोगे तो आपका फोकस पूरा ये पीछे का जो पूरा पोर्शन है कोर आपका बैक पूरा स्ट्रेट हो जाएगा, हाथ को यहाँ रखेंगे सर को सामने रखेंगे, पांव पे ज्यादा गैप नहीं रहेगा, सर सामने पूरा बॉडी को एक साथ, ये नहीं कि आपका सिर्फ चेस्ट नीचे जाएगा, चेस्ट लगा रहे तो ज्यादा सिर्फ चेस्ट नीचे जाएगा तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, पूरे आप पुशअप्स लगाते हो तो बॉडी वेट का इस्तेमाल करते हो भाई, ठीक है, तो पूरा बॉडी का पूरा बॉडी साथ लेके जाओगे तो आपका पूरा बॉडी वेट का इस्तेमाल होगा और आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, ग्रिप यहाँ पे रखो सर सामने रखो कोर स्ट्रेट रखो, पांव में ज्यादा गैप नहीं, सर सामने और आसान तरीके से सिंपल तरीके से नीचे जाओ और फिर ऑल द वे अप, आराम से नीचे जाओ अप, अभी मैं लगाता हूँ सिर्फ 20, अभी देख लो आप लोग अभी का पॉइंट देख लो और सिर्फ आपको कितना लगाऊं, मैं 20 लगा के दिखाता हूँ आप लोग को कि स्लो अगर लगाता हूँ तो किस तरीके का सिर्फ 20 पुशअप्स में आपको फर्क दिखेगा, अभी देख लो वर्कआउट की बात देखना, 20 या 25 कोशिश करता हूँ लेकिन स्लो कोशिश करता हूँ लगाने का, ठीक है, और सिंपल ही पुशअप्स होगा सिंपल जो कि आपको स्टार्टिंग में लगाने के लिए बोलता हूँ शोल्डर के साथ रख के, और अभी आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि जल्दी जल्दी वर्कआउट करके 5 मिनट खत्म करके जाने का और अगर 10 मिनट लग रहा है 15 मिनट लग रहा है तो वर्कआउट सही तरीके से फॉलो करने का क्या रिजल्ट मिलता है भाई, तो इस तरीके से हाथ रखना है सर सामने रखना है, देखो मैं लगाता हूं भाई 1 2 अप, ये हमारा बेसिक पुशअप्स है, 3 4 5 6 7 सिंगल पुशअप लगाऊंगा मैं, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, सिर्फ 20 रेपिटेशंस और रिजल्ट देखो, पंप देखो, सिर्फ 20 रेपिटेशन में वो पंप देगा जो आपको 50 रेपिटेशन वाले पुशअप्स तेज में उतना ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ेगा, तो ये बात क्लियर करना बहुत जरूरी था कि अगर घर पे वर्कआउट करते हो तो फॉर्म आपका प्रॉपर हो कम से कम भाई, अगर आप वेट आपके पास ज्यादा इक्विपमेंट नहीं है ज़रा कुछ आप यूज़ नहीं कर रहे हो मशीन वगैरह तो आप फॉर्म प्रॉपर रखो सही तरीके से फॉलो करो, कम से कम वर्कआउट जो सिंपल भी कर रहे हो उसको कम से कम प्रॉपर भी रखो, उसको उसमें भी नहीं आप लोग मतलब ये करो कि भाई चीट उसमें भी नहीं करना है, पुशअप्स वगैरह कर दो क्लियर करके करो और बेहतर बनो भाई, और इस तरीके से आप पुशअप्स करोगे तो अभी 20 पुशअप्स लगा के दिखा दिया किस तरीके का रिजल्ट मिलेगा और ज़्यादा कर भी नहीं पाओगे, अगर आप स्लो रिप्रेशन करके पूरा फॉर्म करेक्ट करोगे तो आप नहीं है कि आप 400-500 पुशअप लगा लोगे, आप 100 पुशअप लगा सकते हो पर ज्यादा पुशअप्स आप नहीं लगा पाओगे, तो स्लो फॉर्म करना है बेहतर रिजल्ट, बहुत सारा पुशअप्स है, बहुत सारा पुशअप्स का वेरिएशन आगे बताने वाला भी हूँ, बट ये चीज ध्यान रखना कि तेजी में कोई मेरा भाई फॉलो नहीं करेगा, जिनको कि कोई कंपटीशन कोई चैलेंज में अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तो तेजी नहीं करना भाई, और जो जिम वगैरह में जाते हैं थोड़ा बहुत पंप करने के लिए चलेगा वो, बट घर पे जो मेरा भाई प्रॉपर होम वर्कआउट करते हैं उनको स्लो फॉर्म करना है और बेहतर बनना है भाई, तभी आपका चेस्ट निकल के आएगा अपर बॉडी बेहतर बन के आएगा, मिलते हैं स्टे सेफ स्टे हेल्दी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है भाई लोग स्टार्ट, और कोई क्वेश्चन पूछना गौरव जैसे इंस्टाग्राम में और अच्छे तरीके से कुछ समझना हो तो उधर आके फॉलो कर सकते हो भाई, ठीक है भाई।